as assalamu alaikum i hope you all are fine and staying safe and happy i am your science teacher ms farheen and i welcome you all to your science class my dear students as you know that we are on chapter number 5 and the name of our chapter is forms of energy and energy transfer today i am going to deliver its second energy a second lecture and the lecture is about uses of energy yani ke hum ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे अब हम ये कि इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के क्या क्या यूजेस हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली स्टार्ट द लेक्चर विद सो क्विकली टेल मी दैट वट इज एनर्जी वेरी गुड नाउ क्विकली टेल मी दैट विच टाइप ऑफ एनर्जीज वी गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हासिल करते हैं जल्दी से मुझे बताएं

फॉर which टाइप ऑफ वर्क एंड वट फॉर्म ऑफ एनर्जी वी नीड एट डोमेस्टिक लेवल सो आपको डेली बेसिस पे कौन कौन से काम करने के लिए मुख्तफ एनर्जी सोर्सेज जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं जल्दी से जरा सोच के बताएं जब मम्मा खाना बना रही होती हैं तो वो कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करती हैं? हीट सोर्स और वो कहाँ से आती है गैस से आती है वेरी गुड अब जल्दी से आप मुझे बताएं कि जब आप टी ऑन करते हैं तो कौन सी एनर्जी यूज की जाती है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो इस तरीके से आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है उनको इस्तेमाल करते हैं ये बच्चे इस बात को जान जाएंगे कि मुख्तलिफ काम करने के लिए हमें मुख्तलिजी सोर्सेज हैं वो चाहिए होते हैं Now let's quickly look at the Islamic perspective so Allah says in Quran that it is he who made the sun a shining light and the moon a dried light and determined from for its phases that you may know the number of years and account of time Allah has not created this except in truth he, he details the signs for, the, for a people who know सो माई डियर स्टूडेंट्स अल्लाह ने सूरज को बनाया ताकि हम इससे एनर्जी हासिल कर सकें रोशनी हासिल कर सकें हीट हासिल कर सकें इसके अलावा चांद को बनाया ताकि जो है इससे दिन और रात का जो है वो uh, हम uh, अंदाज़ा लगा सकें कि दिन के वक्त सूरज होता है रात के वक्त चाँद आता है uh, और uh, इसके अलावा जो है हमारे हमें दिनों का और सालों का और हफ्तों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी इस रोशनी की और सूरज और चांद की ज़रूरत होती है के माई डियर स्टूडेंट्स नॉलेज क्विकली लुक एट द प्री रीडिंग क्वेश्चन सो क्विकली टेलमी दैट हाउ डू वी कुक फूड वी कुक फूड ऑन हीट वेरी गुड सो हाउ डू वी मूव ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे मूव करते हैं फॉर एग्जाम्पल पंखा कैसे चलता है येस इट मूव विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब आप मुझे ये बताएं गाड़ियां कैसे चलती हैं दे यूज फ्यूल Very good. Okay, my dear students, how do bulbs, tube lights be lighted? Kaise illuminate hoti jalti With the help of electrical energy. Very good. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the reading. For reading, quickly open page number 68 in your science 4 books. I hope everybody has opened the pages. Now, let's start the reading. Put your fingers where I will read. Users of energy. वर्ल्ड एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी अब आप एक दुनिया के बारे में जरा जिसमें एनर्जी है ही नहीं एक दिन, सिर्फ एक दिन 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 सिर्फ जब पूरा दिन बिजली नहीं होती घर में हाउ डू यू फील खास तौर पे गर्मियों में ना यूपीएस भी नहीं है यूपीएस भी नहीं चल रहा आपका बिकॉज दैट इज ऑल्सो गिविंग यू एनर्जी वहां भी एनर्जी कन्वर्ट हुई हुई होती है इलेक्ट्रिसिटी वहां स्टोर uh, वहां पे एनर्जी स्टोर होती है और उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है सो वन डे विदाउट एनर्जी बिजली चली गई है हाउ यू फील बहुत सारे काम जो है आपके रुक जाते हैं एंड इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू वर्क और अब आप ये सोचें अगर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि सूरज जो है वो भी आपके पास नहीं है तो ये दुनिया एकदम अंधेरी नहीं हो जाएगी प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे रोशनी कहाँ से आएगी हीट कहाँ से आएगी तो इस वजह से एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है चले आगे रीड आउट करते हैं वट वुड इट बी लाइक कैन एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव विदाउट फूड एनर्जी Of नॉट दे They नॉट लिव विदाउट फूड एनर्जी इज there एनी alternative एनर्जी टू रन मशीनरी क्या मशीनरी को रन करने के लिए कोई आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है दूसरी अब आपके पास कोई भी एनर्जी नहीं है ना नेचुरल भी नहीं है और आर्टिफिशियल भी सो ऑफकोर्स नॉट आपके पास वो भी नहीं चल सकती कैन यू थिंक ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट दैट केन मूव विदाउट एनर्जी क्या कोई ऐसी चीज है जिसको आप एनर्जी के बगैर चला सकें नथिंग कैन मूव विदिंग कैन वर्क विदाउट एनर्जी एवरीथिंग नीड एनर्जी टू वर्क सर्टनली नॉट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी टास्क फ्रॉम ब्लिंकिंग आईज टू फ्लाइंग एरोप्लेन सो पलक झपकने के लिए और एक बड़े से एरोप्लेन को उड़ने में सब चीजों को एनर्जी की जरूरत है एवरीथिंग नीड्स एनर्जी सम मेजर फंक्शन दैट एनर्जी परफॉर्म्स हैव बीन गिवन बिलो अब एनर्जी जो है जो मुख्तलिफ काम करती है हमारे लिए मुख्तलिफन परफॉर्म uh, करती है लेट्स डिस्कस हीटिंग इट प्रोड्यूस हीट इट हेल्प्स टू ऑब्जेक्ट्स मूव एंड इट लाइट लाइटनिंग में भी ये हेल्प करती है रोशनी देने में हेल्प करती है ट्स डिस्कस अबाउट हीटिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नीड हीटिंग एज शोन इन द फिगर्स गिवेन बिलूंग सो अब आप देखें कि मुख्तलिफ जो काम है उनको करने में चीजों को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में हमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है मोल्डिंग ऑफ ग्लास यानी कि जो शीशा बनता है इट नीड्स हीट एनर्जी ग्लास ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ड्यू टू हीट तो ग्लास को जब मोल्ड किया जाता है मुख्तिफ फॉर्म्स में चेंज किया जाता है मुख्यलिफ शेप उसको दी जाती है तो इट नीड्स हीट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नीड्स हीटिंग सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी आपको हीट की जरूरत होती है यू कैन सी कोल्ड एनर्जी इज टर्न इन टू इलेक्ट्रिसिटी दिस इज अ कोल्ड प्लांट वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड डोमेस्टिक कुकिंग रिक्वायर्स हीट एनर्जी अब खाना बनाने के लिए आपको हीट एनर्जी की जरूरत है ब्रिक मेकिंग नीड्स हीट एनर्जी यहां पर ईटे बनती हैं और भट्टी इसको ईट बनाने की भट्टी भी कहा जाता है और यहां पे भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है टू मेक द ब्रिक्स क्लोथ्स प्रेस ड्यू टू हीट एंड स्टीम सो आपके जो कपड़े जिनको आप आयरन करते हैं प्रेस करते हैं डेली बेसिस पे दे ऑल्सो नीड हीट एनर्जी इसके अलावा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग नीड्स हीट सीमेंट जो मैन्युफैक्चर होता है जिससे आप अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं उसको बनाने के लिए भी हीट एनर्जी की जरूरत होती है जो सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल अब मुख्तलिफ जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए उनको ट्रीट किया जाता है बाई हीटिंग देम जैसे कि दूध को पॉइचराइज किया जाता है इसको एट अ वेरी हाई टेम्परेचर गर्म किया जाता है हीट किया जाता है जिसकी वजह से इसको प्रिजर्व किया जाता है सो टू प्रिजर्व द फूड हीटिंग इज रिक्वायर्ड सो आर लाइफ एंड द प्रोडक्ट वी यूज डिपेंड अपॉन हीट एनर्जी सो हमारी जिंदगी भी जैसे कि हमें सूरज की गर्मी चाहिए रोशनी चाहिए सो so, ये तमाम जो चीजें हैं ये डिपेंड करती हैं हीट एनर्जी पर नाउ मूविंग ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नीड्स एनर्जी वेदर इट इज टू रन अ व्हीकल और अ टॉय कार ऑल दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बिकम डिफरेंट सो किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए भी चाहे वो कोई वो वहीकल है या कोई टॉय कार है उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है टॉयज मूव यूजिंग द एनर्जी ऑफ द बैटरी अब यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से ये मूव करते हैं यानी कि जो आपके टॉयज़ हैं ये बैटरीज से इनमें आप सेल डालते हैं और ये उसकी हेल्प से मूव करते हैं वॉशिंग मशीन कंप्यूटर एट्सेट्रा रन ऑन एलेक्ट्रिसिटी अब मुख्तलिफ जो आपके होम अपलायंसेज हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं न सी अ वाटर टर्बाइन सो दिस इज अ वॉटर टर्बाइन ये भी मूव कर रही है और इसको मूव करने के लिए भी पानी की जरूरत है जिसकी वजह से यह मूव करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है सो so ये वॉटर एनर्जी की वजह से मूव कर रही है नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लाइट नहीं लाइट इट सेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लाइट एनर्जी इन बल्ब एंड लैम्प मेनली ऑप्टेन फ्रॉम सोलर पावर So, जी है, है इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें बाज़ा एनर्जी की जरूरत होती है यानी कि सूरज की जो रोशनी है, है, है ये एनर्जी है लेकिन हमारे घरों में जो लाइट की प्रोडक्शन है उसके लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है जिस जो हमें कहाँ से हासिल होती है हमें सोलर पावर से हासिल होती है विंड से हासिल होती है वॉटर से हासिल होती है या फॉसिल फ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो कि फिर लाइट में चेंज हो जाती है लाइटनिंग लाइटनिंग ऑन साइन बोर्ड नीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि जो मुख्तु साइन बोर्ड होते हैं उनको जलने के लिए चलाने के लिए जो आपको अक्सर घर के मार्केट uh, आप जाए तो वहां आपको नजर आते हैं तो उनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है ट्रैफिक लाइट्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अलावा जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे डिपेंड करती हैं टू वर्क इवन लाइट इन अर वेहीकल्स यूज एनर्जी फ्रॉम द बैटरी यानी कि आपके जो वेहीकल में लाइट होती है जो आपको रात के वक्त इस्तेमाल करनी होती है उसको भी एनर्जी की जरूरत होती है जो कि कार बैटरी से उसको मिलती है और कार बैटरी को एनर्जी कहां से मिलती है फ्यूल से मिलती है तो आप कि कैसे वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं सो दिस इज अ साइन बोर्ड विच इज प्रोड्यूसिंग लाइट और ये लाइट ये कहां से ले रहा है कौन सी एनर्जी से इसको हासिल हो रही है इट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी और हमें अपने रोजमर्रा के कामों के लिए हीट एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है देन हेयर यू कैन सी ब्रिक मेकिंग आयरनिंग द क्लोथ्स देन फॉर मूविंग द ऑब्जेक्ट्स we need fuel, fossil fuels, water, and these are the different forms of energy which helps the help different uh, objects to move. Then comes lightning. So for lightning, you need electricity. Light itself is a energy. lekin लाइट को produce करने के लिए भी हम अक्सर जो है वो मुख्यतः forms of energy use करते हैं, जैसे कि electricity use करते हैं Uh, इसके अलावा कोल ऑयल सोलर पैनल्स और इन तमाम चीजों को हम यूज करके भी लाइट जनरेट करते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर अवैल क्विकली आंसर दीज क्वेश्चन वाई वी नीड हीट एनर्जी जल्दी से मुझे बताएं किस किस काम के लिए आपको हीट एनर्जी की जरूरत होती है वेरी गुड ना हाउ डज मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम पॉसिबल कैसे मुख्तिक ऑब्जेक्ट्स को मूव किया जाता है कौन सी एनर्जीज जो है जिनसे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं वेरी गुड Now, what type of energy is needed to produce light from where it does, uh, it comes from? Quickly tell me that light कहाँ से हासिल होती है? Uh, the main source of light is sun. लेकिन घरों में जब हमें light को produce करना होता है या मुख्तलिफ जगहों पे जब light produce की जाती है, तो कौन से forms of energy आप use करते हैं? Electricity, solar, wind, fossil fuels. Natural gas, they all produce electricity and then uh, aap jo hai, usse light energy you have a produce. Kar sakte okay, my dear students, now is the time for practice. So quickly download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and the roll number, then write the type of energy is being used to do the work. So the mother is cooking the food, which form of energy she will use? Heat. Very good so the girl is pressing the clothes so how she will press them with the help of heat energy now the boy is reading the book with the help of light and the girl is drying the clothes so clothes kaise dry honge with the help of heat so here you can see light is being produced so how it is produced this is light energy and this is also light. Okay, my dear students, now is the time to note down your homework. For homework, you will do question number 3 from section C given on page number 18 So, according to question number three, explain the uses of energy. आपको एनर्जी के यूज़ जो हैं वो बताने हैं. Explain the uses of energy. So, energy के क्या यूज़ हैं? किस-किस तरह से हम एनर्जी को यूज़ करते हैं? आपको इसको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में इन डिटेल और दिस इज योर होमवर्क सो लेट्स क्विकली लुक एट द रैप सो आज के चैप्टर में हमने क्या लर्न किया आज के एस में हमने क्या लर्न किया लेट्स मैनी मैन्युफैक्चरिंग मैन्यून मैनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नीड हीट एनर्जी मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नीड एनर्जी टॉयज मूव बाई एनर्जी ऑफ बैटरीज वॉटर टर्बाइन मूव द हाइड्रोपार व्हीकल्स मूव बाई एनर्जी ऑफ पेट्रोलियम लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम सोलर पावर विंड पावर हाइड्रो पावर एंड फॉसल फ्यूल्स सो माई डियर स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि एनर्जी किन किन कामों के लिए यूज होती है और ये क्या क्या जो है वो प्रोड्यूस करती है और किस तरीके से हम डेली बेसिस पे मुख्तलिफ काम जो है एनर्जी को यूज करते हुए सर अंजाम देते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू है